हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया था कल, और उस नोटिस में एक बड़ा चेंज देखने को मिला जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफी बड़ा चेंज है। आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आप लोग अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो, और अगर अभी नहीं कर सकते तो क्या तरीका है जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवा सकते हो। इससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। ओके, तो गाइज देखिए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर कल एक नोटिस आया था। इसमें बताया गया था कि जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। अप्रोक्स 15 दिन जो है आपका एग्जाम कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इस वजह से जो आपका एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे पहली बार हो रहा है कि सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम आपके एग्जाम से पहले लिया जा रहा है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम है वो बाद में होता है, पहले यूजीसी नेट एग्जाम होता है, देन उसके बाद सीएसआईआर नेट का एग्जाम लिया जाता है। बट इस बार ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो दोबारा बनाए जाएंगे। पहले वाला जो पेपर था वो लीक हो गया था, इस वजह से कैंसिल हो गया था। आपके न्यू क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे, और जबकि जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम है उनको सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन किया गया था, उनको उनके पेपर ही कंडक्ट नहीं हुए थे, तो पोस्टपोन हुआ था, तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही रेडी है, बट उसको अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। वैसे बता दूं मैं कि पहले भी इनका सीबीटी मोड ही होने वाला था, इनका ऑफलाइन नहीं था, पहले भी इनका ऑफलाइन ही था, सिर्फ अब जो हमारा यूजीसी नेट एग्जाम है अपने लोगों का, इनका ही सिर्फ पेन और पेपर मोड में लिया गया था एग्जाम। तो गाइज ये बड़ा चेंज है कि पेन एंड पेपर मोड को हटा करके, ऑफलाइन मोड को हटा करके अब सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट चेंज बिकॉज पेन एंड पेपर मोड में 90% स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, आपको अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करनी होती है, आगे पीछे करना होता है। अगर क्वेश्चन बड़ा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको स्क्रीन बार बार स्क्रॉल करनी पड़ती है, आगे पीछे करके देखना पड़ता है। जबकि जब आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, आप अपने पेंसिल से, पेन से आप मार्क कर सकते हो, वहां पर टिक लगा सकते हो, लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो एक ये बड़ा चेंज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 2-4%, 5% का फर्क पड़ता है आपके एग्जाम अटेम्प्ट की एफिशिएंसी को लेकर के। ऑफलाइन मोड में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से एग्जाम बच्चे जो है काफी अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसको आपके हाथ में होता है पेपर, आप उसको आगे पीछे करके देख सकते हो, बार बार चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। जबकि यहाँ पर कई बार कंप्यूटर का माउस काम नहीं करता, कई बार कंप्यूटर का सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है, तो इस तरह की जो चीजें वो भी कई बार हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम रहती है। अब इसके अलावा देखो गाइस, अब तो ज्यादातर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हो रहे हैं, तो अभी यूजीसी नेट भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ये पहले भी सीबीटी हो रहा था, अब दोबारा से इसको सीबीटी ही कंटिन्यू किया जाएगा। अब रही बात आपके एग्जाम सेंटर को चेंज करने की, तो एग्जाम सेंटर को चेंज कैसे किया जा सकता है, देखो एनटीए ने अभी तक तो कोई यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है, ना ही कोई विंडो ओपन करी कि आप उसको चेंज कर सकें अपना जो आपका एग्जाम सेंटर है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं गाइज, देखिए यहाँ पर एक नंबर गिवन है, या तो इस नंबर पर कॉल करिए, या फिर आपको मेल करना है ugcnet@nte.ac.in, इस वाली ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है, अपना रीजन बताना है कि एग्जाम कंडक्ट हुए अप्रॉक्स 2 से 3 महीने का गैप हो जाएगा बीच में, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम सेंटर वो चेंज होना चाहिए। पहले आप किसी और सिटी में रहते थे, अब आप किसी और सिटी में रहते हो, तो इस तरह की अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो आप मेल कर दो, प्रॉपर आपको मेल करना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर रीजन के साथ, तब जाकर के वो आपका जो मेल है उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। और जितने ज्यादा मेल जाएंगे हो सकता है कि वो आपके जो एग्जाम सेंटर चेंज करने की विंडो है उसको ओपन भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है आपके साथ एग्जाम सेंटर को लेकर, तो आप इस पर मेल कर सकते हो, साथ ही आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पे कॉल का जो नंबर है वो भी गिवन है, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है, ये दो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा गाइस देखो, अभी इस बार सबसे अच्छा मौका है, अब तक जब से नेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है सबसे अच्छा मौका है इस बार है एग्जाम क्रैक करने का। क्यों? क्योंकि जून अटेम्प्ट के लिए आप काफी अच्छे से पढ़ रहे थे, अगर आपने लास्ट 1 महीने 2 महीने भी स्टडी करी थी, तो लास्ट में होता क्या है कि आप बहुत अच्छे से कंप्लीट सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करते हो, वो कोशिश आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको 2 मंथ का गैप दे दिया गया है, तो अगर आप 2 मंथ के इस गैप में उन चीजों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, प्रॉपर प्लान बना करके, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो गाइस आपके पास अप्रोक्स 2 मंथ का टाइम है, और ये इतना अच्छा टाइम है जिस टाइम में आराम से इजिली एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए काफी कुछ पढ़ लिया था जून एग्जाम में, तो ये काफी अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स का जिनका नेट हो रहा था वो जेआरएफ कर सकते हैं, और जिनका जेआरएफ हो रहा था तो वो डेफिनेटली अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिविजन करके और अच्छे मार्क्स ला करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिनका नेट भी पास नहीं हो रहा था वो लोग नेट पास कर सकते हैं,
तो ये आपके पास एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पता नहीं किस तरीके से क्रिएट हो गई आप सभी के लिए। तो गाइज ये बहुत अच्छा मौका है, अगर आप चाहो तो इसी अटेम्प्ट में एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है और आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करते रहिए। अब देखो गाइज, हमने आप सभी के लिए अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त एंड में और सितंबर में, इसके लिए हमने अपने आप सभी के लिए स्पेशल 2 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 मंथ की वैलिडिटी, इस वजह से इसकी फीस हमने 1499 रखी है। इसकी फीस 2999 ना रख करके हमने सिर्फ और सिर्फ 1499 यानी 50% ऑफ कर दिया है। कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, ऑल 10 यूनिट्स के आपको इसके अंदर दिए जाएंगे, बायलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप प्रॉपर तरीके से रिविजन भी कर सकते हो। सो गाइज, आप किस तरीके से इनरोल कर सकते हो? देखो गाइज, ये जो मैंने आपको कोर्स बता रहा हूँ तो आपका सितंबर अगस्त सितंबर वाले एग्जाम के लिए, और अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कंटेंट सेम रहेगा, बस ये कि इसकी वैलिडिटी अलग हो जाएगी। दिसंबर वाले एग्जाम में 6 मंथ की वैलिडिटी हो जाएगी, तो फीस थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो गाइज, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर के हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, तो किसी भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो करना क्या, सिंपली आपको एग्जाम मैनेजमेंट और ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मैंटर। थैंक यू सो मच।